क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले में भागलपुर SSP बाबूराम ने किया बड़ा खुलासा। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले में भागलपुर SSP बाबूराम ने बड़ा खुलासा किया। जहरीली शराब से कथित मौत के मामले में SSP ने बताया कि जहरीली शराब के सप्लायर, तस्कर और उसके चेन का सुराग मिल गया है, पकड़ा भी गया है और छापेमारी जारी है। फिलहाल नकली शराब के तार गोड्डा जिले से जुड़े मिले। इस बाबत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर छापेमारी जारी है। SSP ने बताया कि साहिबगंज का रहने वाला अरविंद यादव फिलहाल मायागंज अस्पताल में भर्ती है। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 18 तारीख को होली के दिन वे और मिथुन कुमार दोनों ने सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी से साहबगंज में 2 हाफ बोतल शराब खरीदी थी। इन दोनों के साथ अभिषेक कुमार भी आ गया तो इन्होंने मिलकर शराब पी। SSP ने बताया कि 20 मार्च से JLN अस्पताल मायागंज में इलाजरत अभिषेक कुमार ने कई बार प्रयास के बाद तो उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ मामला स्पष्ट नहीं हुआ। विसरा जांच के लिए भेजा जाएगा, विसरा की जांच रिपोर्ट के बाद उसमें स्पष्ट हो पाएगा। जो अभिषेक नाम का युवक है, उसके परिजनों ने भी कहा था कि बीमारी की कारणों का बारे में ठीक से पता नहीं है, और कई बार कोशिश करने के बाद अभिषेक ने अभी तक बयान नहीं दिया है। हालाँकि अभी हॉस्पिटल में ही है। एक नया मामला कल आया था, अरविंद यादव नाम का लड़का है उसी लोकेलिटी का, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। उसने पुलिस को बताया है कि इन दोनों के साथ साथ अरविंद यादव भी था और इन तीनों लोगों ने होली के दिन बैठ के शराब पी थी। तो इनके बयान से पूरी बात स्पष्ट हो पाई है। पड़ोस में ही कुछ लोग हैं जो शराब का कारोबार पहले करते रहे थे और वो जेल भी जा चुके हैं, उन्हीं से उन्होंने शराब खरीदी थी। कौन से कारोबार? श्याम चौधरी हैं, उनके 2 बेटे हैं, सागर चौधरी और सचिन चौधरी। इन्हीं लोगों से शराब लेकर उन्होंने पी थी, जिन्होंने अपने बयान में विस्तार से इसका खुलासा किया है। श्याम चौधरी को तो 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके 2 बेटे भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी निशानदेही पे ललमटिया थाना क्षेत्र में एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, वहाँ से 19 लीटर शराब भी बरामद हुई है। और उन दोनों बेटे जो हैं सागर और सचिन, इन्होंने पूछताछ में ये बात स्वीकार भी की है कि होली के दिन इन्होंने ही अभिषेक को और मिथुन को और अरविंद को इन्होंने ही शराब दी थी। और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि ये शराब इनको सतीश चौधरी और सोनू उर्फ लोहा सिंह नामक 2 आदमी हैं जो इनको सप्लाई करते हैं। इसमें लोहा सिंह उर्फ सोनू शाह की गिरफ्तारी हुई है। उसने भी पूछताछ में ये बात बताई है कि उसने स्वीकार किया है, और ये भी बताया है कि उसके साथ में सतीश चौधरी भी पार्टनर है। दोनों ही लोग गोड्डा से शराब लाते हैं।
सस्ती शराब लाकर यहाँ सप्लाई करते हैं, विदेशी शराब है, लेकिन ये संदेह है कि सस्ती है तो हो सकता है नकली हो। हालांकि उसकी जांच FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही ठीक से हम लोग कह पाएंगे कि वो उसका इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसमें लिंक जो है गोड्डा तक इस्टेब्लिश हुआ है, और अब जो अरविंद यादव ने बयान दिया है उससे ये लगता है कि जो एक मिथुन नामक लड़के की मौत हुई है तो शायद उसका कारण शराब ही हो। लेकिन अभी हम लोग ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, ये इसरा की जांच रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट होगा तभी हम लोग उसको निश्चित रूप से कह पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा ही लगता है कि इन तीनों ने मिलकर शराब पी थी, और इस तरह से ये शराब जो मिथ्या तो नहीं है, यानी जो लोगों के जहन में चल रहा था शराब जहरीली शराब, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी अब मानती है, जिला प्रशासन ये जो बहुत सारी लोग इससे प्रभावित हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सबके बारे में हम लोग अनुमान के आधार पर तो अनुसंधान में नहीं कह सकते हैं। ब्रेकिंग, पूर्व सांसद डॉक्टर आर के राणा का निधन, चारा घोटाले मामले में थे सजायाफ्ता। बिहार में चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता डॉक्टर आर के राणा का एम्स में अभी अभी दोपहर 3 बजे निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से निधन हुआ। मंगलवार को उन्हें रिम्स से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स भेजा गया था। उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। बता दें कि पिछले महीने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष अदालत ने डॉक्टर आर के राणा को 5 साल व 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इनके खिलाफ उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी। जब CBI कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी उसी दौरान उनकी ओर से तबियत खराब होने का हवाला देते हुए एक आवेदन दाखिल करते हुए कहा गया था कि उन्हें इलाज के लिए रिम्स में भेजा जाए, जिस पर अदालत ने जेल अथॉरिटी को उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था। कुछ दिनों के बाद तबियत खराब होने पर उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था जहां इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लीवर काम नहीं करने के कारण मेडिकल बोर्ड ने एम्स रेफर करने पर अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद मंगलवार की रात उन्हें एम्स भेजा गया जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन का समाचार इलाके में सनसनी की तरह फैल गया और हर कोई सोशल मीडिया पर उनका फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं नौगछिया के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली करोलबाग की रहने वाली शबनम अपने पति की तलाश में भटक रही भागलपुर की सड़कों पर। दिल्ली के करोलबाग की रहने वाली शबनम अपने पति की तलाश में भागलपुर की सड़कों पर चक्कर लगा रही है। एक हाथ में पति की फोटो और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को पकड़कर आम राहगीरों से पति की फोटो दिखाकर पति का पता पूछ रही है। दिल्ली में शबनम के काम करने के दौरान उसे राहुल राज नाम के युवक से प्रेम हो गया और फिर दोनों ने दिल्ली में ही 3 साल पहले मंदिर में शादी कर ली, लेकिन इसी महीने 4 तारीख को राहुल पत्नी और बच्चों को छोड़कर घर जाने के बाद कहकर निकल गया और अब पत्नी उसे फोन करती है तो वो फोन नहीं उठाता है, वही मोबाइल भी बंद कर दिया है। शबनम को बस इतना मालूम है कि बूढ़ानाथ मोहल्ले में राहुल का घर है, जिसकी तलाश में वो पिछले 1 सप्ताह से शहर की सड़कों पर भटक रही है और अपने पति की खोजबीन में लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उस युवक को पहचान नहीं पा रहा। अब शबनम जोगसर थाना पहुंची जहां वो पुलिस वालों से फरियाद कर रही है कि उसके पति को खोजकर उसके सुपुर्द कर दिया जाए और वो फिर से एक बार खुशहाल जिंदगी बिता सके। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस राहुल राज को कब तक खोज पाती है। दिल्ली से लड़का कब आया यहाँ? 4 तारीख को यहाँ आया। 5 तारीख को लास्ट में आकर आया था और 6 तारीख का जो है ना वो लड़का फोन बंद हो गया, स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद फोन आना जाना कुछ नहीं हो रहा। की नाम था? राहुल। शादी आपसे कब हुई उसकी? गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि सदवा गांव निवासी बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र मंटू सिंह को 15 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोलियों की आवाज से थराया नगरपारा, जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा गांव में मंगलवार की देर रात गोलियों की आवाज से गांव थर्रा उठा। सूचना मिलने पर भवानी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से कई खोखा भी बरामद किया गया है। बुधवार को भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिली थी तो गांव पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि गांव का एक सातिर बदमाश है जो पूर्व मुखिया ब्रिस्टर सिंह को निशाना बना रहा था। उसके साथ कई सातिर बदमाश भी शामिल थे जो सड़क पर एक कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग दे रहे थे।
अचानक होती फायरिंग से पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल हो गया। हालांकि बैरिस्टर सिंह ने पुलिस को जानकारी भी दिया है कि इस मामले में कौन था, फिलहाल पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। लोहिया ने रखी थी समाजवाद की नींव, बोले रवि कुमार। जनता दल यूनाइटेड नौगछिया के जिला कार्यालय में राम मनोहर लोहिया की जयंती जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर मनाई गई। मौके पर जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने कहा कि लोहिया ने ही देश में समाजवाद की नींव रखी थी। वे जाति और वर्ण व्यवस्था को देश के लिए कैंसर मानते थे, जिसने देश के पिछड़े दलितों और महिलाओं के जीवन को नर्क बनाया। वहीं मौके पर कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष भवेश यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचने को लेकर खाद विक्रेता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर लक्ष्मीपुर चंडी स्थान के समीप विजय खाद बीज ट्रेडिंग केंद्र पर अवैध रूप से निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए यूरिया रासायनिक खाद बेचने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सब प्रशिक्षु IS यतिन कुमार पाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार व अन्य पुलिस के सहयोग से की गई छापेमारी के दौरान खाद बीज विक्रेता विजय जायसवाल को गिरफ्तार कर इस्माइलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर इस्माइलपुर प्रखंड के कृषि कोऑर्डिनेटर आशुतोष कुमार के बयान पर अवैध रूप से खाद बिक्री कर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। कोऑर्डिनेटर आशुतोष कुमार ने बताया कि जहां यूरिया की कीमत 266 रुपए है, वहीं किसान से दुकानदार द्वारा 350 रुपए लिया जा रहा था, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर से खाद बेचते हुए खाद विक्रेता को हिरासत में लेकर इस्माइलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। नौगछिया के मक्का तकिया में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के मक्का तकिया में घरेलू विवाद को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष से मोहम्मद मुन्ना बैठा के पुत्र मोहम्मद नवाब मोहम्मद इदरीस बैठा के पुत्र मोहम्मद हारून घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से स्वर्गीय जाहिद बैठा के पुत्र मोहम्मद जब्बार बैठा, हैरत बैठा, तबरेज बैठा की पत्नी महबून खातून है। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मजबून खातून की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया। जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ ढिसुम। नौगछिया अनुमंडल के कदवा ओपी क्षेत्र के बुड़वा टोला कदवा में बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर मारपीट में महिला सहित 3 को जख्मी कर दिया। घायलों में लुखो शाह के पुत्र विकास कुमार शाह, लखन कुमार शाह, लुखो शाह की पत्नी कोकिला देवी है। सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बिहार सरकार की जमीन पर मिट्टी डालने के विवाद को लेकर मारपीट हुई। वहीं संबंध में पीड़ित ने कदवा ओपी में प्राथमिकी के लिए आवेदन